अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद नवीद हमदर्द और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी फॉर टेक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक फ्री इंटरनेट के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको इस्तेमाल करके ना आप सारी ज़िंदगी के लिए फ्री इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तरीकाकार सिर्फ बाद लोगों को पता है यूट्यूब पर, और किसी लोग और वो लोग आपको बताना नहीं चाहते, इसलिए मैं आपको ना क्योंकि तमाम इंटरनेट के तरीके बताता रहता हूँ, इसके लिए आप मेरा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो इसके लिए मैं आपको पहले पहले सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप सर्च बार में टाइप करें HATunnel+, इस VPN का नाम है, और इसे देख लें, चेक कर लें जी। ये 10 मिलियन के करीब इसके डाउनलोड्स हैं, और इस एप्स के रिव्यूज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं। मैंने क्योंकि इसे डाउनलोड कर रखा है और मैं इसलिए इसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखें, कुछ ये वक्त लगा ओपन होने में। देखो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का VPN है, जिसके मतलब के इसके लिए ना सिर्फ एक शर्त है VPN के बारे में, आपके पास थोड़े होने लाजमी होने चाहिए, 20 या 30 MB होने लाजमी है। अगर 20 या 30 MB होने चाहिए हो तो फिर ये VPN काम करता है और इंटरनेट बिल्कुल फ्री चलता है, लेकिन 20 से 30 MB से कनेक्ट होने में लग जाते हैं। देखो जी, ये इसका इंटरफेस हो चुका है, और आप सबसे पहले कस्टम VPN पर क्लिक कर दें, और ये डायरेक्ट कनेक्शन, इस पर क्लिक करें, और ये तीसरे नंबर पर जो खड़ा हुआ है कस्टम होस्ट हेडर, कस्टम होस्ट हेडर तीसरे नंबर पर, इसे क्लिक कर देंगे। इसे क्लिक करने के बाद, क्योंकि मेरे पास इस वक्त जैज़ की सिम है ना, जैज़ में, और मैं अपना ये लिंक दे देता हूँ, filter.ncnd.jazz.com/PK /NC, ओके हो गया। अब इसे क्लिक करने के बाद आप स्टार्ट पे क्लिक कर दें। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। देखें, ये कनेक्ट हो चुका है। ऊपर देखें, ये एड्स दिखाएंगे कुछ देर के लिए, आप क्लोज कर दें। क्लोज देखें, नो थैंक्स, नो थैंक्स क्लिक करेंगे तो एक ऐड आपको दिखाई जाएगी, इस पर क्लोज कर देते हैं। ये देखें, ऊपर देखें कनेक्ट हो चुका है। मैं पहले इस वक्त जैसे ही कनेक्ट हुआ है ना, मैं पहले कुछ नहीं चलाऊंगा, पहले मैं आपको इंटरनेट अपना पैकेज चेक करा लेता हूँ इस वक्त, क्योंकि अभी कनेक्ट हुआ है ना, अभी तो मैंने कुछ चलाया, चेक वगैरह नहीं किया। ये देखें, ये मैं आपको मेरा 3,778 MB मेरे अभी बाकी हैं। देखते हैं कि मैं इस्तेमाल करने के बाद मेरे कितने एम बी सर को ट्रिप प्ले कर लेता हूँ यूट्यूब ओपन कर। जी, मैं आपको यूट्यूब प्ले करके चेक करा लेता हूँ, और जब कुछ देर के लिए हम यूट्यूब पर वीडियोस प्ले करेंगे, वीडियोस प्ले करने के बाद चेक करेंगे कि हमारे MBs कितने सर्फ हुए। काफ़ी है तो काम चल जाएगा। MBs थोड़े बहुत होना इसके लिए लाजमी है। मैं यूट्यूब प्ले करता हूँ, देखते हैं कि क्या होता है। हमारा VPN कनेक्टेड है, इसकी स्पीड भी अच्छी है, काफ़ी है। 1 MB तक, 2 MB तक इंटरनेट देखें, 2.5 MB, 1 MB/s जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत अच्छी है। मैं कोई देखें, कोई वीडियो प्ले कर लेता हूँ ताकि कुछ MBs।
अपने पैकेज की तरफ, देखते हैं कि कितने एमबी सर्फ हुआ है इससे, मतलब कि वीडियो प्ले करने में कुछ ना कुछ तो भाई खर्च होना चाहिए था ना। देखते हैं कि कितने एमबी सर्फ हुए, देखते हैं पहले कितने थे, 3,778 और मतलब कि 65 MB सर्फ हुए हैं उसे कनेक्ट करने में, 12 MB सिर्फ कनेक्ट करने में लगे हैं, लेकिन उस वीडियो के प्ले करने में कुछ MB खर्च नहीं हुए। तो ये कमाल का तरीका था, मैंने आपको शेयर कर दिया।